राजा यहाँ आया था? नहीं बेटी, यहाँ तो नहीं आया। कहाँ चला गया? क्या हुआ मधु बिटिया? ये वो काला निकेतन ने चेंज कर दिया, दिल फिल्म वाला। चल यहीं खड़ी कर दो यार। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आज आपके साथ में और एक नई लोकेशन पर आया हुआ हूँ मैं दोस्तों। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि फहीम भाई हमें आमिर खान सर की दिल फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाओ। तो आज हम वहीं पर हैं और हमारे सामने है दिल फिल्म की शूटिंग लोकेशन, हम आपको वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम मुंबई के जुहू विले पार्ले के एरिया में हैं और यहाँ पर वो लोकेशन है जहाँ पर माधुरी दीक्षित के कुछ सीन रिकॉर्ड किए गए थे। फिल्म 1990 की है, 1990 में आई हुई ये फिल्म को आज करीब 33 साल हो चुके हैं बनकर, जिसमें आमिर खान सर ने और माधुरी दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया था। आज हम आपको वो लोकेशन दिखाने आए हैं, लेकिन इस लोकेशन का सीन छोटा सा ही है दोस्तों। फिल्मों के अंदर क्या दिखाया जाता है, 3 सेकेंड का सीन इधर, 4 सेकेंड का सीन इधर, 5 सेकेंड का सीन उधर, उसी हिसाब से यहाँ पर ये वाला सीन जो आप देखोगे ये करीब 5 से 6 सेकेंड का था जो यहाँ पर लिया गया था। अब हम आपको बता दें, पहले तो हम आपको लोकेशन पर जाके दिखाएंगे और वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ बैठकर आपको बता रहे थे और वो लोकेशन है काला निकेतन। जो आप उधर देख रहे हो काला निकेतन RJP ग्रुप और कला निकेतन क्लासिक, वो अभी अलग अलग हो चुका है। मतलब हो सकता है दो भाइयों का हो, लेकिन अभी जो था वो पहले एक ही था, अब थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुका है। मैंने ये लोकेशन पहले भी दिखाया है क्योंकि फिल्म दीवाना के अंदर जो शाहरुख खान सर की फिल्म है उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसके अंदर भी ये एक सीन लिया गया था इसी जगह पर और आज भी है दोस्तों। वहाँ पे लिखा है सिंस 1942 से ये जगह अवेलेबल है यहाँ पर और अभी 2023 चल रहा है, मतलब 80 साल तो इस शोरूम को यहाँ पर बन के हो चुके हैं। हम तो आपको खाली 30 से 33 साल पुरानी जगह दिखा रहे हैं। पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, आप देख लो हम यहाँ पर रोड पर हैं, यहाँ से खड़े होकर आपको ये वाली जगह दिखा रहे थे। अभी वहाँ पर पास में जाएंगे और करीब में जाके उस जगह को आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। जब माधुरी दीक्षित जी आमिर खान सर को ढूंढती हैं, वो ढूंढती रहती है, इन्हीं गलियों में भटकती रहती हैं। कुछ सीन जुहू चौपाटी पर लिए गए थे, कुछ सीन एक सिग्नल के सर्कल पर लिए गए थे और फिर वो पहुंच जाती हैं आमिर खान सर के पास। तो वो फिल्म के अंदर यहाँ पर जो सीन लिए गए थे हम वो आपको दिखा देते हैं। पहले आप यहाँ से पूरा फ्रंट देख लें और फिर आपको पास में जाके दिखाएंगे तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो मैं पानी पीता हूँ फिर चलते हैं। दोस्तों चलिए आपको थोड़ा करीब में जाकर मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर आती हैं माधुरी दीक्षित। पहले हम रोड को सेफ्टी के साथ क्रॉस कर लेते हैं और डिवाइडर पर खड़े होकर आपको दिखाते हैं ये जगह। ये देखिए, ये रोड चल रहा है यहाँ पर बाजू में और रोड के बाजू में ही है ये जगह कला निकेतन सिंस 1942। और इसी के सामने से आप अगर स्क्रीनशॉट से मैच करोगे, इसी के सामने से गुजरती हैं माधुरी दीक्षित जी फिल्म दिल के अंदर, जिसको बन के 33 साल हो चुके हैं दोस्तों। 33 साल बाद आज हम यहाँ पर हैं जहाँ पर दिल फिल्म की शूटिंग हुई थी। अभी और भी करीब में इसको मैं जाके दिखाऊंगा। और ये इसके बाजू वाली जगह है और यहाँ से वहाँ पर आप देखोगे तो हमारी एक्सेस खड़ी हुई है और वहाँ पर है वो बस स्टॉप जहाँ से मैं उठकर इधर आया हुआ हूँ। चलिए थोड़ा और करीब में जाते हैं और वो लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन करीब में जाने से पहले जितनी ये कार, बाइक और रिक्शा यहाँ से गुजर रही हैं पहले इनको जाने देते हैं, फिर हम वहाँ पर पहुँच के जहाँ पर वो वॉचमैन भैया खड़े हैं वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे। वो वॉचमैन वहाँ से मुझे मना ही करने वाले हैं वीडियो बनाने के लिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी बनाऊँगा क्योंकि वो जब तक मेरे पास आएंगे तब तक मेरी वीडियो बन चुकी होगी। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, एक रिक्शा आ रही है, वो काफ़ी पीछे है, तब तक हमारा काम हो जाना है। देखिए ये बाजू में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सीन लिए गए थे, इसके बाजू वाली जगह ऐसी है और यहाँ पर सामने एक गार्डन है
वहाँ पर कुछ खाने का सामान मिल रहा है, जो लोग बेचारे रिक्शा वाले हैं जॉब करते हैं वहाँ पर आके वो लोग खाना खा सकते हैं। और इधर है कुछ ऐसा एरिया और सामने है इधर कला निकेतन, वहाँ पर एक वॉचमैन खड़े हैं। जहाँ पर वो खड़े हैं पहले से चेंज हो चुका है, और पहले पूरा प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा था, अभी उतना नहीं है। देखो यहाँ पर एक डॉग आराम से सो रहा है, तो यहाँ पर से बहुत मॉडिफाइड हो चुका है। दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट करके बताना, हम आपको और कोई दूसरी लोकेशन दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। आई लव यू गाइज, लव यू ऑल गाइज़।